ये बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की सर्वे रिपोर्ट पेश की जा चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की सर्वे रिपोर्ट पेश। हालांकि अजय मिश्रा को कमीशन से हटा दिया गया था, गोपनीयता भंग करने का आरोप उन पर लगा था, लेकिन क्योंकि दो दिन के सर्वे में वो मौजूद थे तो दो दिनों की रिपोर्ट वो पेश कर चुके हैं। दीवार के पास देवी देवताओं की कलाकृति के बारे में उनके द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। दीवार के पास कमल की कलाकृति भी नजर आई है, इस बात का भी जिक्र उनके द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में किया गया है। उत्तर से पश्चिम की तरफ शेषनाग की आकृति का भी जिक्र है इस रिपोर्ट में। और साथ ही देखिए, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, वो वीडियोज जो लगातार वायरल हो रहे हैं, जो वजूखाने की तस्वीरें अब सामने आ रही है। पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने रिपोर्ट पेश कर दी है। पश्चिम दीवार के पास पुराने मंदिर का मलबा होने की बात भी उस रिपोर्ट में कही गई है। दीवार के पास देवी देवताओं की कलाकृति का भी जिक्र उस रिपोर्ट में किया गया है। तो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का मामला दिनों दिन गर्माता जा रहा था। हालांकि इंतजार करना पड़ा, कोर्ट की तरफ से वक्त दिया गया, तीन दिन तक सर्वे चला, वहां पर तथ्य इकट्ठे किए गए, सबूत इकट्ठे किए गए, तस्वीरें ली गई, वीडियोग्राफी हुई, कई घंटे की वीडियोग्राफी थी, जिसकी वजह से दोनों पक्षों द्वारा वक्त मांगा गया रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। हालांकि आज रिपोर्ट सबमिट होनी है, लेकिन जो बड़ी खबर मिल रही है, अजय मिश्रा की तरफ से जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट उन्होंने पेश कर दी है। दीवार के पास देवी देवताओं की कलाकृति की बात उस रिपोर्ट में कही गई है। पूर्व दिशा में शिलापट, पत्थर के ढेर, इस बात का भी जिक्र उस रिपोर्ट में है। तो इस सर्वे के दौरान परिसर में शिवलिंग मिलने के हिंदू पक्ष के दावे के बाद ज्ञानवापी की सुरक्षा भी अब कड़ी कर दी गई है। कोर्ट के निर्देश के बाद शिवलिंग मिलने के दावे वाले स्थल को सील करने के साथ वहां सुरक्षा व्यवस्था भी अब बढ़ा दी गई है। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, बड़ी खबर मिल रही है, अजय मिश्रा द्वारा कोर्ट में पेश कर दी गई है रिपोर्ट, क्या अपडेट? बिल्कुल मल्लिका, रिपोर्ट कल शाम को ही अजय मिश्रा, जो पहले कमिश्नर बनाए गए थे, उन्होंने अपने दो पेज की ये रिपोर्ट पेश कर दी है और वो रिपोर्ट इस वक्त हम लोगों के पास भी है। देखिए, मुख्य बातें जो मोटे तौर पर बताया गया है कि 6 मई को और 7 मई को जो सर्वे हुआ था उन्होंने उसके बारे में लिखा है, और ये लिखा है कि पुराने मंदिरों का मलबा मिला है पश्चिमी दीवार पर, जहां पर वो पहले से मंदिर का विध्वंस दिखाई देता है। उसके दूसरी तरफ देवी देवताओं की कलाकृति बनी हुई है, अन्य शिलापट भी मिले हैं, कमल की कलाकृति मिली है, इसके अलावा शेषनाग की कलाकृति और नागफनी जैसी आकृति देखी गई है, देवों के विग्रह यानी कि कुछ मूर्तियों के टूटे हुए अंश भी मिले हैं। साथ साथ काफी पुराना, बहुत समय से पड़े हुए जो विग्रह हैं वो तमाम चीजें इसमें मिली हैं, शिलापट भी दिखाई दे रहा है, और बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं इनके रिपोर्ट के मुताबिक जो मिले हैं। लेकिन इस समय हमारे साथ विशाल सिंह हैं, जो कि स्पेशल कमिश्नर हैं, कोर्ट कमिश्नर। स्वागत है विशाल सिंह जी। पहली रिपोर्ट तो सबमिट हो गई कल, और ये तमाम चीजें जो मैं कह रहा हूँ ये रिपोर्ट में भी है, आप लोगों ने देखी? चूंकि कल ही मैंने आपसे कहा था कि हमारे साथ हैं, और 6 और 7 की रिपोर्ट कल ही के इंटरव्यू में मैंने कह दिया था, 6 तारीख और 7 तारीख की रिपोर्ट वो दाखिल फाइल करेंगे, और उसके बाद की जो रिपोर्ट है 14, 15, 16 जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर की रिपोर्ट है वो हम दाखिल करेंगे, और संभवतः आज हम लोग दाखिल कर देंगे 2 बजे से पहले, 12 बजे के बाद 2 बजे के पहले दाखिल कर देंगे। तो आप ये जो रिपोर्ट आपने देखी होगी, जो आपके सहयोगी ने फाइल की है, ये तमाम चीजें आप लोगों ने भी देखी? जी, उस समय तो मैं कमीशन में नहीं गया था उनके साथ, थी तो मैंने बाद में, तो उन्होंने अपने जो रिपोर्ट किया है वो उनका स्वतंत्र अधिकार है, और रिपोर्ट सबको मान्य होनी चाहिए। जो रिपोर्ट उन्होंने दी है कमीशन की कार्रवाई की, वो उनके द्वारा दी गई है, तो उसमें बहुत सारी चीजें मिली हैं, हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह मिले हैं, शिलापट मिला है, दीवारों के बारे में भी उन्होंने बताया है कि ये तमाम चीजें मिले हैं। आपने भी देखा देखा है वो हम बाद में अपनी रिपोर्ट में दे देंगे, क्योंकि चूंकि पीछे के थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी देखा था, वो मेरी रिपोर्ट अभी कॉन्फिडेंशियल है, कोर्ट में चली जाए उसके बाद आप भी देख लीजिए। शिवलिंग पर बड़ी तेज चर्चा है, शिवलिंग है या फवारा, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने क्या देखा।
अब यह कॉन्फिडेंशियल है, बहुत ही गोपनीय है और रिपोर्ट जो है अब आज हम लोग दाखिल कर देंगे, फाइल कर देंगे, सबमिट कर देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा क्या है उसमें। अच्छा, ये तो जो रिपोर्ट आई है ये बाहर की रिपोर्ट है जो उन्होंने की है? हाँ, बाहर, सिर्फ बाहरी दीवार की रिपोर्ट है, अंदर की रिपोर्ट मैं दाखिल करूंगा। ये पन्ने की रिपोर्ट है और जो बाहर से उन्होंने देखा है वो उन्होंने अपने इस रिपोर्ट में मेंशन किया है। आप ज्ञानवापी परिसर के अंदर की जो 3 दिन की कमीशन की कार्रवाई थी, चूंकि पुलिस बल का भी काफी सहयोग था, पुलिस प्रशासन का काफी सहयोग था, जिसके द्वारा यह कमीशन की कार्रवाई अच्छे ढंग से निष्प्रिय और बिना भेदभाव के शांतिप्रिय तरीके से हो सकी है। मैं प्रशासन और पुलिस विभाग का धन्यवाद देना चाहता हूं कि शांति तरीके से पुलिस की मुकम्मल व्यवस्था थी कि बहुत ही शांतिपूर्ण और अच्छे माहौल में हम लोग की कमीशन की कार्रवाई पूरी की गई है। आपने पूरा कोना कोना जर्रा जर्रा आपने चेक कर लिया है, कुछ बचा तो नहीं? जी, जहां जहां वादी व प्रतिवादी गण द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया कमीशन में, कमीशन के दौरान, और जो कमीशन की रिट की कॉपी थी उसके अनुसार हम लोगों ने रिपोर्ट प्रेषित की है और वो चीजें अपनी बातों में लिखी गई है, अपनी रिपोर्ट में हमने लिख दी है। कुछ ऐसा चीज जो छूट रहा हो या छूटा हो ऐसा लगता है, या आपकी बहुत सारे एक्सटेंसिव रिपोर्ट होगी, कई कई पन्नों की रिपोर्ट होगी? जितनी चीजें प्लेंट में लिखी थी और जितनी चीजों के बाबत कमीशन की कार्रवाई की गई थी, ज्यादातर चीजें हम लोगों ने उसको कवर कर ली हैं, और वादी और प्रतिवादी पक्ष द्वारा मौके स्थल पर कमीशन के दौरान जो जो चीजें कही गई वो भी हमने लिख दी अपने रिपोर्ट में। वो रिपोर्ट 12 बजे के बाद आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। सर, एक चीज और इस बारे में जानना चाहेंगे कि आज एक सुनवाई के लिए दिया गया है वादी पक्ष की तरफ से, महिला पक्ष की, उन्होंने दीवार हटाने की बात की है, तो आप लोगों को ऐसा दिखा क्या कि उस तरफ भी कोई ऐसी दीवार है जो कि हटाने की? जी, हमने अपनी रिपोर्ट बना दी है, वो फाइल हो जाएगी और माननीय न्यायालय और वादी और प्रतिवादी पक्ष का ये चीजें हैं, बहस के बाद जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा वो मान्य होगा। कुछ अनुशंसा, कुछ रिकमेंडेशन है या सिर्फ जो देखी रही रिपोर्ट देखी? की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है 14, 15, 16 की, वो उस कार्रवाई की, कमीशन की कार्रवाई के दौरान जो जो चीजें हुई थी अपनी रिपोर्ट में हमने बना दी है, रिपोर्ट फाइल हो जाएगी और रिकमेंडेशन देने का अधिकार मेरा नहीं है। एक चीज और जानना चाहेंगे, दोनों आप लोगों के बीच एक विवाद हुआ कल, बकायदा उनके आंसू भी आ गए, वो बहुत भावुक भी हो गए, आपको लग रहा है कि इसका असर कमीशन की रिपोर्ट पर, फैसले पर, इन सब चीजों पर? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये जो 14, 15, 16 की रिपोर्ट है एकदम निष्पक्ष और बिना भेदभाव की है, और एक 14, 15, 16 की कमीशन की कार्रवाई के दौरान शायद 15 तारीख को उनकी टीम के मेंबर एक थे जो कैमरामैन वो लिए हुए थे, वो पूरी बाइट दिए, अपनी अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को रखने लगे एक पक्ष की तरफ से, तो इसके द्वारा माननीय न्यायालय ने ये कदम उठाया है। और ये प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा ये सब बातें कही गई, और मैंने जो एप्लीकेशन दिया था वो सिर्फ स्थिति स्पष्ट करने के लिए दिया था कि कौन कौन कैसे कैसे करेगा, उनकी क्या वो तो ब्लेम सीधा आप ही को करना, ये गलत है, ये गलत है। मैंने कोई आदेश नहीं किया है, माननीय न्यायालय ने आदेश किया है। सुनवाई के दौरान वादी और प्रतिवादी पक्ष दोनों वहां मौजूद थे, उनकी उनकी बातें कही गई, जो जो बातें प्रतिवादी संख्या 4 ने कही, माननीय न्यायालय ने उसको संज्ञान में लेते हुए आदेश पारित किया। आपकी कोई बातचीत हुई? क्योंकि कल वो बिल्कुल बहुत ज्यादा भावुक थे, उनके आंखों में आंसू थे, आपसे कोई बात हुई कि किसी तरीके से ये पैचअप? बता दूं, ये बहुत बड़ी कमीशन की कार्रवाई थी, ये 3 दिन जो हम लोगों ने किया उसमें काफी पुलिस बल लगे थे, दुकानें बंद की गई थी, हर चीजें थी, आप लोगों की सब जानकारी में है, और ये निष्पक्ष तरीके से कमीशन की कार्रवाई संपादित होनी थी, और अगर उसमें से कोई कमीशन की टीम का कोई व्यक्ति अगर मीडिया में बाइट वगैरह देख के अपनी अवधारणा देता है कि मैं इस पक्ष की तरफ हूँ या उस पक्ष की तरफ हूँ, यह गलत है, और वो पूरी 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 कमीशन कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह। मैंने ये ऐसा कुछ नहीं लिखा था, मेरी एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर है, आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ स्थिति स्पष्ट करने के लिए किया था कि कार्रवाई बांट दी जाए, कौन क्या क्या करेगा। मैंने तो अगर एलिगेशन लगाने की बात है तो मैंने तो अजय प्रताप सिंह के ऊपर भी कहा था सहयोग रुचि नहीं ले रहे हैं, और स्थिति स्पष्ट करने किसको क्या क्या करना है,
तो उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया, ना उनके किसी सदस्य द्वारा किया गया। देखिए आज भी वो टीम में है, पूरा सहयोग कर रहे हैं और हमारे साथ हैं पूरी कार्रवाई में, रिपोर्ट बनाने में भी। एक चीज बताइए कि सहयोग कहाँ नहीं मिल रहा था आपको, यही तो जानना चाहेंगे कि आखिर अजय प्रताप सिंह से या फिर अजय मिश्रा से सहयोग कहाँ नहीं मिला। सहयोग की बात ये है कि जैसे जो सहयोग साथी लोग आप लोग लिए थे, अगर वह आदमी मीडिया में बाइट वगैरह देता है या कोई चीजें करता है तो ये कमीशन की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह उठता है। इसके बाबत हमने दिया था मीडिया बाइट, तो मुझे लग रहा है कि तमाम लोगों ने दिया, कोई नहीं बचा। मीडिया बाइट दिया, लेकिन आज तक हम लोग जितने कमिश्नर थे, तीनों कमिश्नर अपनी अवधारणा नहीं दी कि हम इस पक्ष ये मिला वो मिला ऐसे मिला। आप कोई एक मीडिया बाइट दिखा दीजिए जिसमें किसी कमिश्नर ने कहा हो कि हमको ये मिला, या किसी कमिश्नर के सदस्य गण द्वारा एक आदमी को छोड़ के कहा गया हो कि ये मिला वो मिला, ये मैं इस विशेष पक्ष के संघ हुई या विशेष पक्ष की बातें उन्होंने कही, कि किसी ने नहीं कहा है। एक आदमी ने कहा था, और चूंकि मैंने कल भी कहा था कि कमीशन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, ये कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति परमानेंट नहीं होती है, कमीशन पूर्ण हो चुका है, ये कमीशन कार्रवाई समाप्त हो चुकी है। 6 और 7 की रिपोर्ट वो देंगे, जो कल की मैंने बाइट दी है उसको देख लेंगे, एकदम क्लियर कट है, और उसके बाद की मैं दूंगा। हम दोनों भाई हैं, हम लोग साथ साथ काम किए हैं और साथ साथ रिपोर्ट वगैरह सब हम लोगों ने बना के कर दिया। 6 और 7 के हम लोग, उसमें मेरा भी सहयोग रहा। आपको लगता है कि आप लोगों के रिश्ते दोबारा से नॉर्मल हो पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो रिश्ता खराब ही नहीं हुआ तो नॉर्मल होने की क्या बात है। जी धन्यवाद। क्या अभिषेक, कल हमने दोनों की बातचीत। जी विशाल सिंह जी, जी आप अपनी बात पूरी कीजिए अभिषेक जी। बिल्कुल, तो एक बात बिल्कुल साफ है मल्लिका, कि इस समय आज ये रिपोर्ट फाइल करने जा रहे हैं, यानी कि आज जो स्पेशल कमिश्नर है उनकी आखिरी रिपोर्ट है, और ये 12 बजे से 2 बजे के बीच में ये रिपोर्ट फाइल हो जाएगी। दोनों कमिश्नर या तीनों कमिश्नर के बीच जो मतभेद है, इनका कहना है कि जो रिपोर्ट है उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। हाँ जरूर है कि एक दूसरे को सहयोग नहीं करने को लेकर के या फिर मीडिया में जो बातें लीक हुई उसे लेकर के इन दोनों के बीच अनबन जरूर हुई थी, लेकिन आज ये फाइनली ये रिपोर्ट फाइनल होगी, अंदर की रिपोर्ट, और बाहर की रिपोर्ट अजय मिश्रा ने आज फाइल कर दी है मल्लिका जी। और अब अजय कुमार मिश्रा ने अपने जो रिपोर्ट है उसमें कुमार अभिषेक ये कहा है कि दूसरे दिन के सर्वे में सरकार डीएम पुलिस कमिश्नर से सहयोग उनको नहीं मिला, और साथ ही उन्होंने ये बात भी उसमें मेंशन की है कि विवादित स्थल में मुस्लिम समुदाय के 100 लोग एक साथ खड़े थे और पुलिस ने, प्रशासन ने इस कारण असमर्थता जताई। अगर विशाल सिंह अभी भी आपके साथ हैं तो क्या आप उनसे इस पर जानकारी ले सकते हैं कि इस तरह की बात उनकी रिपोर्ट में भी कही गई है। अच्छा सर ये बताइए कि जो उनकी रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट तो अब सार्वजनिक हो चुकी जो है, वो पुलिस और प्रशासन से सहयोग नहीं मिल पाया, मुस्लिम पक्ष जो था वो अग्रेसिव था, इस वजह से वो नहीं कर पाए। जब आपने, आप लोगों ने, जब सब लोगों ने किया तो ऐसी कोई चीज आपको दिखी? नहीं, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हुई, पूरा सहयोग प्रशासन का भी रहा, पुलिस का भी रहा, एकदम बहुत ही अच्छे माहौल में हुई, एकदम सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोग की कमीशन की कार्रवाई अमल में आई है। किसी तरह का कोई उसमें रुकावट बाधा आप लोगों को, आपको नहीं मिली? कोई रुकावट नहीं मिली, एकदम शांतिप्रिय तरीके से, एकदम आराम से काम हुआ, पूरा प्रशासन जानता है, पूरी मीडिया जानती है, आप सब लोग जानते हैं। बहुत ही पहले दिन 6 मई को जब हुआ था, 7 मई को हुआ था, उस दिन उस समय मैं नहीं मौजूद था वहाँ पे, तो उसके बारे में मुझे कहना उचित नहीं होगा। मुस्लिम पक्ष से भी सहयोग था पूरा, जो वकील थे और जो प्रतिवादी संख्या 4 के मुंशी थे एजाज मोहम्मद, उनका भी सहयोग था वहाँ पे। इसी तरह की कोई आप लोगों को प्रॉब्लम? कोई नहीं मल्लिका। देखिए जब दूसरे दिन कार्रवाई हुई है तो उन्हें कोई समस्या दोबारा उन्हें नहीं झेल देखने को मिली, लेकिन पहले दिन जब अजय मिश्रा ने किया था तो उस वक्त जरूर उन्हें कुछ समस्या हुई थी, जिसका कि जिक्र उन्होंने अपनी रिपोर्ट में किया है। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि उन्होंने पहले दिन का तो कुछ खास नहीं जिक्र किया है, लेकिन दूसरे दिन यानी कि 7 मई को जब वो सर्वे करने के लिए पहुंचे तो किस तरह से रुकावट आई और किस तरह से उन्होंने ये बात कही है कि डीएम और पुलिस कमिश्नर की तरफ से सहयोग नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से विशाल सिंह कह रहे हैं बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है एक दूसरे की बात। और खासतौर पर अगर हम ये याद करें कि कल अजय मिश्रा ने क्या कुछ आज तक पर कहा था एक्सक्लूसिव बातचीत में, रोते हुए उन्होंने कहा था कि अब मैं कोई सहयोग नहीं करूंगा और रिपोर्ट भी सबमिट करने के सवाल पर उन्होंने इनकार किया था। कुमार
बिल्कुल वही चीजें दिखाई दी हैं, वो कोई एक रिपोर्ट नहीं सबमिट हुई है, एक जो कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, सभी लोगों की एक साथ रिपोर्ट नहीं हुई। अजय मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट अलग सबमिट की है, एक दिन पहले सबमिट की है, और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो एकता होनी चाहिए थी, एक रिपोर्ट होना चाहिए था, वो एक रिपोर्ट होने के बजाय ये दो रिपोर्ट में जा रहा है। यानी कि जो अजय मिश्रा ने अपनी पहले 6 मई और 7 मई को की थी, उसकी 1.5 पन्ने की रिपोर्ट उन्होंने कमीशन की रिपोर्ट उन्होंने अदालत को सौंप दी है, और अब आगे के 3 दिनों की रिपोर्ट विशाल सिंह सौंपने जा रहे हैं। यानी कि दोनों की अलग अलग दो रिपोर्टें हैं। हालांकि ये जानना जरूरी है कि एक रिपोर्ट बाहर के परिसर का है और इनकी रिपोर्ट अंदर के परिसर का है, लेकिन दोनों के बीच जो एक विवाद उभरा उसका असर सीधे सीधे इस रिपोर्ट पर तो जरूर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, रिपोर्ट पर भी दिखाई दे रहा है अभिषेक, और क्या इसका असर फैसले पर भी पड़ सकता है? देखिए, ये कहना तो मेरे स्तर से बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरे स्तर से इसे कहना बहुत मुश्किल है कि ये इसका क्या असर होगा नहीं होगा, या फिर जो मुस्लिम पक्ष है वो इसे किस तरीके से अदालत में रखेगा। लेकिन निश्चित तौर पर इन दोनों के बीच के जो आपसी मतभेद थे, अगर उनके रिपोर्ट दोनों के सामने आए हैं तो आगे इसमें किस तरीके से चर्चा होगी ये देखने वाली बात होगी जी। और साथ ही अगर आपके पास वो रिपोर्ट है कुमार, अगर दर्शकों को आप वो रिपोर्ट दिखा सकें, और खास तौर पर जो जो फाइंडिंग्स है उस रिपोर्ट में, महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनके बारे में भी अगर आप जानकारी दें। देखिए मल्लिका, ये 2.5 पन्ने की रिपोर्ट है जो कि फाइल हो चुकी है। फिलहाल हम आपको उसके जो मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में आपको बता दें कि वो क्या है। दरअसल 6 मई को जो सर्वे किया गया वो बैरिकेटिंग के बाहर का सर्वे था। बैरिकेटिंग के बाहर का जो सर्वे हुआ उसमें उन्हें पुराने मंदिरों का मलबा मिला है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। देवी देवताओं की कलाकृति मिली है, बनी हुई है दीवारों पर, ये भी उसमें लिखा हुआ है। एक शिला मिली है जिस पर कमल का एक निशान है, कमल की कलाकृति है वो मिली है। जो उसका उत्तर पश्चिम कोना है, यानी कि जहाँ पीछे वाली दीवार है, जो विध्वंस का इलाका दिखता है, वो सीमेंट से जो चबूतरे बनाए गए हैं, बने हैं, उस पर नव निर्माण हुआ था, उस पर कुछ आकृतियां मिली हैं। इसके अलावा शेषनाग और नागफनी जैसी आकृति देखी गई है, इसका जिक्र है। देव विग्रह मिले हैं, ठीक है, जिसमें 4 मूर्तियां हैं जो टूटी हुई अवस्था तो में। ये बड़ी खबर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, ये रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो अजय मिश्रा ने पेश की है। नजर बनाए रखेगा अभिषेक, आगे भी आपके पास अपडेट्स के लिए लौटेंगे।